दूसरा है मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पलकों जरा। कोहनी के बल दर्द झेल कर, एक रात आने को है सुन तो जरा। अबा जी, ये नीलम है। नीलम हसन मेरे बॉस की बेटी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ना। आप पागल तो नहीं हो गए? आपका दिमाग तो नहीं खराब? मेरी बात सुनो, मैं अमेरिका में रहता हूँ, एक आईटी फर्म में जॉब करता हूँ, ड्रिंकिंग नहीं करता, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो आज की ताजा खबरें ये हैं कि आपका बड़खुरदार मनान जिस लड़की को पसंद करेगा ना, वो आपको 100% पसंद नहीं आनी। क्यों? इतना ही शौक हो रहा है नाम सुनने का? बताऊं, मिशिकी नंद। ये देखें आप, देखें इसमें क्या कुछ लिखा है मिशेल के बारे में, उसके झूठे अफेयर, उसकी तस्वीरें जो पुरानी हो चुकी हैं, और ये कि मैंने उससे शादी उसकी दौलत और शोहरत की वजह से की है। रुक तो जरा, है मुसाफिर। भाई आप ठीक नहीं लग रहे। हाँ ठीक हूँ यार। अफसर सर से मिलके आए हैं, वहां से आए हैं तो आप परेशान लग रहे हैं। हाँ यार, उन्होंने बात ही कुछ परेशानी वाली की है, क्या करूं? वो करूं जो वो कह रहे हैं या वो करूं जो दिल चाह रहा है? आपने तो हमेशा दिल की मांगी है, वो ही करें ना। हाँ लेकिन पहले मेरा दिल और था, खालिस था, सिर्फ मेरा था, लेकिन अब तो अब क्या हुआ है? अब मेरा दिल बहुत सी मोहब्बतों में जकड़ा हुआ है, और मोहब्बतों में जकड़ा हुआ दिल फैसला करने के लिए आजाद नहीं है। अच्छा, आपकी आगे आपकी मोहब्बत का फोन, आई मीन भाभी का फोन। चल भाग यहां से। आमिशी। हाँ हैदर, सुनो कहाँ हो? क्या हो गया? ये तो है, वो मुझे मोम की तरफ जाना है, मनान ने बुलाया। यार अभी तो आना मुश्किल है थोड़ा। फिर क्या करूँ, बहुत अपसेट है, जाना जरूरी है ना मेरा। यार एक तो तुम्हारे भाई को बुला के मैं खुद ही फंस गया हूँ, क्या कह रहे हैं आपको? तुम्हारी बीवी बाद में, उसकी बहन पहले हो। टैक्सी लेके चले जाओ। ऐसा नहीं, तुम रुको मैं आता हूँ। ओके बाय। मेरा बच्चा किन ख्यालों में गुम हो? ऐसे खुश नहीं हूँ। खुश रहा करना बेटा, मैं जानती हूँ कदीर की मंगेतर को देखकर तू परेशान है। ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ उस मामले में। आप भी परेशान ना हो, ऐसे ना सोचे। ए हमना, मैं सोच रही थी क्यों ना सबा को खाने पर बुला लें। भाई साहब और भाभी भी क्या सोचते होंगे, बेटी की शादी होगी और चाची ने अभी तक खाना भी ना किया। सिर्फ सबा और उसका मियाँ ना। ए क्यों, ए भाई साहब की पूरी फैमिली को इनवाइट करेंगे हैं? मैं तो सोच रही थी मशल की अम्मी और भाई को भी बुला लेते। नहीं 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 अम्मी, वो लोग क्या करेंगे आके, वो तो हमसे इतने मुख्तलिफ से लोग हैं ना। क्या कह रही है, मशल तो अब हमारे जैसी हो गई है ना। अरे उन लोगों को बुलाएंगे तो वो भी खुश हो जाएगी। नहीं अम्मी, इतना हुजूम लग जाएगा लोगों का, इतना सारा काम करना पड़ेगा, कैसे करेंगे हम दोनों, खाना भी इतना बनाना पड़ेगा। छोड़ें आप, बस उन्हें ना बुलाएं। खैर है, हो जाएगा। क्या है, अगर बुला लेते तो ये लड़की भी ना, बस
आपसे कब होगी? देखो, हो सकता है रात रुक जाओ। रात? What? हरगिज नहीं। बरसों बाद मेरा भाई आया, मुझे कहेगा तो मना थोड़ी करूंगी। आप भी मुझे बरसों बाद मिली हैं, अभी अफोर्ड नहीं कर सकता अपने आप से दूर रखना। कभी कभी थोड़ी सी दूरी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना। इस मनान के बच्चे का खुद ही कुछ करना पड़ेगा मुझे। तुम ही लेकर आए हो उसे। वैसे कुछ ज्यादा ही नहीं चाहने लगे आप मुझे? हाँ यार, थोड़ी मोहब्बत सी होगी तुमसे। मोहब्बत में पाबंदियां नहीं होती साहिब यार। इन्हें पाबंदियां मत कहे अनारकली, ये तो हमारी मोहब्बत की ही ताकत है जो आपको खींच कर ले आएगी और रात नहीं रुकने देगी। रुकने ना रुकने का फैसला तो बाद में होगा साहिब यालो। यानी तुम नहीं आओगे ना? क्या है, आ जाऊंगी। अच्छा, तुम्हारी मीटिंग थी ना आज असवन साहब के साथ, कैसी रही? हाँ ठीक थी, ठीक रही। चलो गुड। बेटर अच्छा आज? हाँ, नॉट बैड। वालेकुम अस्सलाम। अबाजान, हम जरा बाहर जा रहे हैं। अच्छा बेटा। कदीर, कहीं जा रहे हो बेटा? हाँ जी अम्मी जान, जरा बाहर जा रहे थे। अच्छा, घर जल्दी आ जाना, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया आज। हम लोग खाना बाहर से खा कर आएंगे, आप तकलीफ ना कीजिएगा। चलें कदीर। इंतजार मत कीजिएगा मेरा। आ जाओ कदीर, देर हो रही है। देख लिया, ये हमारी औलाद है, इनके सहारे हमें अपना बुढ़ापा गुजारना है, जिनके पास हमसे बात करने का वक्त नहीं है। खदीर के अब्बा, खदीर के अब्बा कुछ करें। मुझे तो लगता है कि अगर कदीर ने इस नकचिड़ी लड़की से शादी कर ली तो मेरा घर तो तबाह हो जाएगा। क्या करूं मैं? मेरा कदीर बेअदब नहीं है, हम सब जानते हैं कि वो ये सब कुछ हमसे बदला लेने के लिए कर रहा है। वो हमना को बहुत चाहता था, जब से हमने उसका रिश्ता हमना से खत्म किया है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो आप कदीर से कहें कि हम दोबारा हमना से उसका रिश्ता कर देते, लेकिन इस बॉस की नकचड़ी बेटी को छोड़ दे। नहीं नहीं, वो नहीं मानेगा। कैसे नहीं मानेगा? आप किस तरह कह सकते हैं? मैं माँ हूँ, उसके दिल की बात जानती हूँ। फर्ज किया वो मान भी गया तो भाभी और हमना मान जाएंगी? क्यों क्यों नहीं मानेंगी? मुझे यकीन है कि भाभी मान जाएंगी। और आप देखिए ना, अभी तक हमना का रिश्ता कहीं तय नहीं हुआ है, अगर हम कदीर के लिए बात करेंगे तो वो फटाफट राजी हो जाएंगी। कदीर के अब्बा कुछ करें इससे पहले कि मेरा घर टूट जाए। ठीक है, सोचता हूँ कुछ मैं। क्या हाल है? ठीक हूँ। मम कहाँ है? वो अपने कमरे में। और मनान? हाँ वो भी अपने कमरे में, और वहाब साहब और वो सूफिया मैडम बाजार गए। क्या बात है, सब अपने अपने कमरे में क्यों है? कोई बात हुई है? क्या बात हुई? मैडम और उनका मनान साहब का झगड़ा हुआ, उनसे बहुत नाराज है। मैं देखती हूँ, दरवाजा बंद कर। चाय बनाओ? नहीं नहीं, चाय रहने। अस्सलाम वालेकुम। आ गई? कैसी हैं? ठीक। क्या हुआ है? अपने भाई से पूछो। क्या कहा है उसे? बेहतर होगा अगर तुम उसी से पूछ लो, लेकिन सुनो, से बात करने से पहले एक चीज जहन में याद रखना, अब और खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में।
आप बताएंगे उसने क्या किया? डॉक्टर ओके May I come in? क्या जनाब, क्या हंगामा बर्पा कर दिए? मोम तो बहुत गुस्से में, अब तुम ही बता दो क्या हुआ है? क्यों, मोम ने तुम्हें नहीं बताया? जी नहीं, वो कह रही है अपने भाई से जाके पूछो। अब बताइए। मिशी, मैं शादी करना चाहता हूँ। गुड, ये तो अच्छी खबर है। तो मोम इतने गुस्से में क्यों है? उन्हें मेरी मर्जी पर एतराज है। ओह, तो मेरे भाई की पसंद क्या है ये तो बताए। हमना हैदर की बहन। आर यू इन योर सेंसेस? तुम हमना को पसंद करते हो? पूरी दुनिया में तुम्हें एक वो ही लड़की मिली है, क्या हो गया है? अब तुम भी परेशान हो रही हो। तो परेशान होने वाली बात है ना, तुम्हें पूरे जहान में हमना मिली थी। यार ये कैसे, ये पॉसिबल कैसे हो? तुम्हें कैसे पसंद आ गई वो? क्यों नहीं मुमकिन है, जब तुमने हैदर से शादी की थी। सुन, मेरी और हैदर की शादी एक हादसा थी ना, वो मुझे पसंद करता था ना मैं उसको पसंद करती थी। अगर ये मैं सोच समझ के करती ना तो उससे शादी ना करती। क्या हो गया तुम्हें? What do you mean? क्यों नहीं मुमकिन है? क्या तुम भी मम्मी की तरह क्लास सिस्टम को फॉलो करती हो? अपर क्लास और लोअर क्लास, तुम बिलीव करती हो इस सिस्टम को? मनान, बात क्लास की नहीं है, बात हमारे माहौल की है। और ये बात सच है कि उनके और हमारे माहौल में बहुत फर्क है। मैं बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर रही हूँ। हम ना इस घर में आके कैसे एडजस्ट करेगी? तुम्हें मोम की आदत का पता है ना, बात बात पे नौकरों को डांटती है। कोई गैर लड़की आके कैसे बर्दाश्त करेगी? लिसन मिश्री, मैं हमना जैसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, जितनी वो सिंपल है, एजुकेटेड है। मेरे भाई, मुझे तुम्हारी चाहत पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मोम नहीं मानेगी, कोई भी नहीं मानेगा। क्या बात कर रहे हो तुम? बात करो ना मोम से। मैं, वो पहले ही मेरी शादी से खुश नहीं है, और अभी तुम्हारे जाके वकालत की ना तो मुझे जान से ही मार देंगी। तुमने अच्छे प्रोग्राम बनाए मुझे मरवाने के। पागल, मैं भी कौन, इतनी तपी हुई क्यों है? प्लीज मिशी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, उसे अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम ये कि मुझे ये भी नहीं पता कि हैदर का क्या रिएक्शन होगा, उसकी माँ का क्या रिएक्शन होगा। एक ना शुद्ध दो शुद्ध। जी भाभी, मैं कह दूंगा, और प्लीज आप ये तकल्लुफ ना करें। सबा और उसके शौहर तक तो ठीक है, लेकिन हम सबको बुलाने की क्या जरूरत है? ठीक, चल ठीक। किसका फोन था? खदीजा भाभी का। हम सबको दावत पे बुलाया। हैदर की शादी हुई थी तो हम सब ने क्या किया था उसके साथ? मेरा तो जी चाहता कोई बहाना करके इनकार कर दो। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करें। देखिए ना, हमारे जाने से खदीजा भाभी का दिल बड़ा होगा, और इस तरह हो सकता है कि हमारे ताल्लुकात फिर से बहाल हो जाए। अगर ताल्लुकात फिर से बहाल हो गए तो हम कदीर और हमना के रिश्ते की बात तो कर सकेंगे ना। तुम तो हथेली पर सरसों जमा रहे हो। अब पता नहीं कदीर जानता भी है कि नहीं। कोशिश करने में क्या हर्ज है? इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। देखे तो क्या वक्त हो रहा है, दोनों अभी तक वापस नहीं आए। ये लड़की तो मेरे बेटे को ले उड़ेगी। पता नहीं क्या होगा आगे हमारी जिंदगी में, कोई हमारी देखभाल करने वाला होगा भी कि नहीं। हम ना घर की बच्ची है, बड़ी दीदलियाज वाली है, बड़ों का अदब करने वाली,
अगर वो इस घर में आ गई ना तो मेरी तो आखरत सवर जाएगी। तो ये बातें तो मैं पहले समझानी चाहिए थी ना मुझे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा सिकंदर साहब, बिगड़ी हुई बात बनाई जा सकती है। आप सभा को फोन तो लगाएं, बताएं उसे कि चच्ची ने दावत की है, बुलाया है उसे। अरे करें ना फोन, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, जो आज मेरे सियासतदान बेटे को अपनी माँ का भी ख्याल आ गया। अरे जब से दोबारा सियासत में गए हो, अपनी माँ बहन और बीवी को तो जैसे भूल ही गए। अरे माँ, तो ऐसी भी बात नहीं है। अरे बेटा, हमारा ख्याल रखा ना करो बेशक, लेकिन अपनी बीवी का ख्याल ज़रूर रखा करो। ठीक है, और कोई हुक्म? उसने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा बेटा। लड़कियां तो शादी के बाद सिर्फ माँ बाप और बहन भाइयों को छोड़ती हैं, मगर उसने तो हमारी खातिर खुद को बदल ही डाला। अपनी सोच, अपना प्रोफेशन, अपना लिबास, सब कुछ छोड़ दिया। हमें उसकी कदर करनी चाहिए। ठीक कह रही हैं माँ, इसने बहुत सारी चीज़ों को बदला है। अपना प्रोफेशन बदला, लाइफस्टाइल बदला, मेरी माँ को बदला। आप तो बिल्कुल हिमायती हो गए उसकी। माँ किसकी है ये याद है? अरे जानती हूँ, तेरी माँ हूँ। लेकिन अगर बहू अच्छी हो, सादतमंद हो, तो बेटे से ज़्यादा प्यारी लगने लगती है। और जब से मैं सभा की शादी से होकर आई हूँ ना, मुझे अपनी बहू और भी ज़्यादा प्यारी लगने लगी है। और पता है, हाँ, सब लोग उसकी तारीफें कर रहे थे, और भाई और भाभी की आँखों में जो शर्मिंदगी और एहसास नदामत था ना, उसे देखकर तो मेरे दिल को बहुत ही सुकून आया। चलें, खुशी है मुझे कि आपने फाइनली मिशेल को पूरे दिल से अपना लिया। अच्छा उसे फोन तो कर लो। हाँ। अगर वो आना चाह रही है ना तो उसे ले आओ, और अगर वहाँ रुकना चाह रही है ना तो रुकने देना, जिद मत करना। अरे उसका भाई इतने दिनों के बाद आया है, अच्छा है कुछ दिन रह ले। हाँ कर ले तुम, पहले मैं हमना से मिल लूँ। हाँ कहाँ वो? वो अपने कमरे में है बेटा। मुझे उसकी बहुत फिक्र लगी हुई है। मैं चाहती हूँ कि जितनी भी जल्दी हो सके ना, उसका अच्छी जगह पे रिश्ता तय हो जाए। मैंने खाला बतूल और नजमा को भी कहा था, बस देखो कब जवाब देती हैं वो। और हाँ, आज मैंने ना भाई और भाभी को भी खाने पर बुलवा लिया था। किस लिए? सबा और उसके शौहर को दावत पर बुलाया है तो सोचा उनको भी बुला लूँ। वैसे तो मैं मिशेल के माँ और भाई को भी बुलाना चाह रही थी, लेकिन हमना ने मना कर दिया, कह रही आप इतना सारा हजूम इकट्ठा कर लेंगी। चलें, मैं बहना से मिल के आता। माशाल्लाह, बड़े बड़े लोग आए आज तो। कैसे हैं वहाँ भाई? ओ ठीक ठाक, मुझे क्या होना है, मजदूर आदमी हूँ, रोज़ मेहनत करता हूँ, कुएं में से पानी निकालता हूँ और बीवी को और अपना पेट भरता हूँ। अपनी सुनाओ। मैं ठीक। हाँ तुम्हें तो ठीक होना ही है, तुम्हें क्या है, पूरा घर जो हिल रहा है जड़जड़े की तरह तुम्हारी वजह से। वहाँ भाई प्लीज़, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। ओहो क्या हो गया है बेबी, इधर प्यार से पूरी बात मेरे मुंह से निकलती नहीं है, मुंह तुम्हारा पहले बन जाता है, और जो पूरी दुनिया तुम्हारे बातें कर रही है वो क्या मतलब? अखबार नहीं पढ़ती, कम से कम टीवी तो देखा करो, वो देखा नहीं है, और पूरे सारे चैनल जो है पानामा लीक को छोड़ के जिसको देखो तुम्हारी खबरें चढ़ा रहा है सुबह शाम सुबह शाम। मुझे कोई परवाह नहीं कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, फिलहाल मुझे मनान की बहुत टेंशन है, आप इधर उधर की फजूल बातें ना करें। ओहो बेबी, खाम खा टेंशन नहीं लेते, मसलों के हल ढूंढते हैं, और मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ ना, तुम्हें बताऊँ, और ये मिडिल क्लास लोगों से मेरा बहुत वास्ता पड़ता है, तुम जानती नहीं उन्हें, ये बहुत शाते और चड़ाक होते हैं, और अपना मनान जो है इतना खूबसूरत है, और हो नहीं हो तुम्हारी नान ने उस पर जादू कराया। प्लीज़ वहाँ भाई, मैं हैदर और उसकी फैमिली के बारे में उल्टी सीधी बात नहीं बर्दाश्त करूँगी। बहुत अच्छे लोग हैं, वो लड़की बहुत अच्छी है। वाह, इसके बजाय कि तुम जाके अपने भाई को कुछ समझाओ, यहाँ बैठ के तुम अपनी नंद की हिमायत कर रही हो। मो मैंने की है मनान से बात,
वो लड़की अच्छी है या बुरी मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बस मेरा बेटा उससे शादी नहीं कर सकता। तो यही बात आप उसे समझा दे, मेरी बात उसको समझ में नहीं आ रही। मेरे पास एक आइडिया है, बताऊं? क्या? मिशी को ना अपनी नानकी ना शादी किसी और से करा देनी चाहिए, ना अड़ेगा बांध ना बजेगी बांसुरी, क्यों? ठीक है ना? हाँ, आइडिया तो सही है। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग? ये शादी वादी करना क्या आसान काम होता है? ओहो, मैं हूं ना, मेरी खदमात हा देना अगर रिश्ता भी। वहां भाई प्लीज। मुझे नहीं पता मिशी, तुम्हारी आसानी के लिए मैं अपने बेटे को उसी कुएं में छलांग मारने दूं जिसमें तुमने मार दी है? ये ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी नहीं होने दूंगी। और टाइम निकाल के ना अखबार भी पढ़ लिया करो, ये देखो क्या सुनहरी हुड़ूफ लिखे हैं तुम्हारे बारे में। तस्वीर बड़ी खूबसूरत लगाई है वैसे। अरे भाई आप? अरे बहन तुम? यार भाईजान कहाँ हो? यहीं आपके सामने? मेरे सामने तो हो लेकिन यहाँ नहीं हो। क्या सोच रही थी? कुछ भी नहीं। झूठ बोलोगी मुझसे? आओ, हाँ बोलूंगी झूठ। आप मेरी बहन थोड़ी है कोई जो सब कुछ आपसे शेयर करूं। लो तो उसमें क्या, मैं बहन बन जाता हूँ। चलो बता मुझे क्या सोच रही थी। यार भाईजान कुछ भी नहीं, आप टेंशन ना लें सीरियसली। सुनो तुम कदीर और उसकी अजीबोगरीब मंगेतर के बारे में तुमने सोच रही? नहीं, ऐसे ही बस। खबरदार तुमने उसके बारे में सोचा, वो तुम्हारे काबिल नहीं। तेरी बहन के लिए तो कोई शहजादा आएगा। घोड़े पे बैठ के ना, मतलब घोड़ा जरूरी नहीं है, गाड़ियां चलती हैं।
मम्मी आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही हैं? नहीं मानूंगी और कभी नहीं मानूंगी, चाहे किसी भी की सिफारिश लेके आ जाओ तुम। फाइन, फिर जिस घर में मेरी ख्वाहिशात की कोई वैल्यू नहीं उसमें मैं रह के क्या करूंगा। भाभी? हाँ? भाभी आपने वो खबर सुनी है? क्या हुआ है? भाई की गाड़ी पे फायरिंग हो गई है। ओह माय गॉड। रुक तो जरा ऐ मुसाफिर। मम्मी आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही हैं? नहीं मानूंगी और कभी नहीं मानूंगी, चाहे किसी भी की सिफारिश लेके आ जाओ तुम। फाइन, फिर जिस घर में मेरी ख्वाहिशात की कोई वैल्यू नहीं उसमें मैं रह के क्या करूंगा। मैं भी वापस चला जाऊंगा और फिर किसी के कहने पर नहीं आऊंगा। किसके कहने पे आए थे इस घर में तुम? हाँ, मेरे कहने पे आए थे इस घर में तुम। मॉम, किसी के कहने पे नहीं आया, आपकी मोहब्बत में आया। क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों? मेरी मोहब्बत में? अच्छा मजाक बनाया तुम लोगों ने मेरा। मम्मी हर रिश्ते की अपनी एक जगह होती है। मैं हमना को आप पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं, मैं तो बस चाहता हूं आप मेरी बात सुने। तुम्हारी शादी उस जगह होगी जहां मैं चाहूंगी, समझे? तो फिर ठीक है, मैं अभी डैड से बात करूंगा, वो ही आपसे बात करेंगे। सब तुम्हारी वजह है, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। अगर तुमने ये सब हरकतें ना की होती ना, तो आज ये भी वो सब कुछ ना कर रहा होता। It's all your fault. कैसे थे घर में सब? सब ठीक। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। नाराज तो नहीं हो कि मैंने रात को रुकने नहीं दिया? ऐसा कुछ नहीं है। जरूरत है बकवास पढ़ने की? पढ़ चुकी हूं मैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ओके? लिखा तो मुझे परेशान करने के लिए है ना। हैदर, मैंने कोई खुफिया निकाल नहीं किया था तानियाल से। मुझे बताने की जरूरत नहीं है यार, जानता हूं मैं, किसी किस्म की सफाई की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सोच है ना ये, लोग तो यही समझेंगे जो इसमें लिखा है वही सच है। मुझे लोगों की परवाह नहीं है मिश्रा। सब तुम्हारी तरह ही सोचते हैं, पता मुझे परवाह होने लगी है। लोग तुम्हें क्या कहेंगे, आंटी को कितनी बातों का सामना करना पड़ेगा, और हमना, उसका रिश्ता पहले ही मेरी वजह से खराब हुआ, फिर मेरी नजर में तुम एक निहायत काबिल एहतराम शख्स हो और एक बहुत खूबसूरत और नेक लड़की हो। बस तुम्हारे लिए यही जरूरी होना चाहिए कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं। हमेशा इतना ही चाहोगे? इतना मुश्किल है, इससे कहीं ज्यादा जाऊंगा। मैं
गलत बयानी मैं नहीं आप लोग कर रहे हैं, और मेरा हमनक सा रिश्ता भी आप ही लोगों ने तोड़वाया। कितना मना किया था मैंने, मेरी कोई बात नहीं सुनी। आप लोगों को तो बदला लेना था ना, हैदर और उसकी बीवी को मजा चो चिखाना था। तो भाई अपनी गलती तस्लीम कर ली है ना हमने, अब क्या माफी मांगे तुमसे? अब क्या फायदा गलती मानने का, आपको भी कह सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है कदीर। क्या मतलब? देखो कदीर, सबसे पहले तुम अपनी बॉस की बेटी से जान छुड़ाओ, फिर हम तुम्हारे रिश्ते की बात करते हैं खतीजा से। क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ कदीर, हम सब जानते हैं कि तुम हमना को कितना चाहते थे, ये तो हमारी अक्कल पर पत्थर पड़ गए थे जो हमने इतना बड़ा फैसला कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम हाँ तो करो, हम खतीजा से बात करते हैं। ये नहीं हो सकता मीजान, मैं नीलम को पहले ही हाँ बोल चुका हूँ, और अगर मैंने उसको ना बोला तो मेरी जॉब भी खतरे में पड़ सकती है, ये नहीं हो सकता। तुम बात क्यों नहीं समझते कदीर, तुम अपने वादे निभाने के चक्कर में अपना मतलब हमारा मुस्तकबिल खतरे में डाल सकते हो, बात समझने की कोशिश करो। मीजान आप, अरे भाई ठंडे दिल से अपनी माँ की बात पे गौर करो, हमने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, अब इतनी सजा मत दो अपने माँ बाप को। किस मुश्किल में डाल दिया आप लोगों ने मुझे, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या करूं। अभी क्या मुश्किल है कदीर, अभी तो तुमने नीलम से मंगनी की है ना खुद से, खुदा ना खास्ता शादी तो हुई नहीं ना। मैं तो उस वक्त से डर रही हूँ, अगर वहां तुम्हारी शादी होगी तो पता नहीं क्या कुछ तबाही आ जाएगी इस घर में। वो लड़की हमारे तौर तरीके हमारे मिजाज माहौल के मुताबिक है ही नहीं, वो यहाँ रह ही नहीं सकती। चाची जान मान जाएंगी? अरे क्यों नहीं मानेंगी, मान जाएंगी ना वो। बस तुम हाँ कर दो, मैं खतीजा से खुद बात कर लूंगी। हाँ हाँ कर दो ना बेटा। हेलो मिशी डार्लिंग, जानी हेयर। ओ हाय जानी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ यार, तुम तो बिल्कुल भूल चुकी हो पुराने दोस्तों को। भूली नहीं हो जानी, लेकिन नई जिंदगी में थोड़ी मसरूफ हो गई। तुम सुनाओ कैसे हैं सब? सब ठीक है, अक्सर ना तुम्हें याद करते रहते हैं। यू नो मारिया की भी शादी हो गई, उमर का सेटल हो गई एक मिलियनियर बूढ़े के साथ। सोशल मीडिया पे शादी की तस्वीर तो देखी होगी ना तूने, तीसरी शादी है उसकी और पैसा बेशुमार। तुम अपने बारे में बात करो ना, कैसा जा रहा है तुम्हारा काम? बस ठीक है। और सुनो तुम्हारे लिए ना एक जबरदस्त ऑफर है। क्या? एक इंटरनेशनल ब्रांड है और वो तुम्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। अगले महीने बड़े स्कल पर फैशन शो है और पैसे मुंह मांगे। अगर तुम चाहो तो 5 साल तक कुछ ना करो। लिसन, तुम्हें पता है ना मैं काम छोड़ चुकी हूँ, तो फिर इस बात का क्या मकसद है? तुम्हारे फायदे के लिए जानू। मैंने देखा है जिस हालात में तुम रह रही हो ना, इस एक शोर से तुम्हारे हालात बदल सकते हैं और तुम्हारे कमबैक को ऐसा हाईलाइट करेंगे कि फैशन की दुनिया में तहलका मच जाएगा। और मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड जानी, कोई और बात करनी है तो बताओ। मगर मिशी सुनो तो, तुम्हें कोई और बात करनी है या मैं फोन बंद करूँ? प्लीज मिशी गौर करना, मैंने बड़ी उम्मीद से ना तुम्हें फोन किया है। गलत जगह उम्मीद लगाई है तुमने, फोन रख रही, अपना ख्याल रखना, बाय। कितने पैसों की ऑफर थी? 2,000,000। तो बहुत बड़ा नुकसान उठाया तुमने। हाँ लेकिन इसके बदले में जो ऑफर मैंने कबूल की है उसके आगे इस ऑफर की कोई अहमियत नहीं है। कौन सी ऑफर? तुम्हारी मोहब्बत की ऑफर, तुमसे जुड़ी इज्जत की ऑफर, इससे अच्छी ऑफर और क्या होगी। हाँ बस अब इसमें कमी ना आए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँ। कभी कमी नहीं आएगी इसमें। अच्छा मनान के साथ कैसा रहा, कोई खास बात करनी थी उसमें?
हाँ नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं, बस वो उदास हो रहा था। उससे कहो ज्यादा उदास मत हुआ करे, वो उदास होता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। अच्छा बाबा आइंदा नहीं जाऊंगी मैं। खुश अब किस खुशी में घर पे हो, ऑफिस जाओ, चलो उठो उठो निकलो। एक ऑफिस की दुनिया और एक ये दुनिया फिल्मी। अल्लाह हाफिज। बाय। शुक्र है तुमने मेरे लिए टाइम तो निकाला। यार वो सुबह से अब्बा के साथ बैठा था, कुछ काम था। सो रूट कदीर, मैं तुम्हारी मेहमान हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हें कोई काम था। शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या करोगे? यार वो मेरे अम्मा अब्बा है, मैं उनका काम नहीं करूँगा तो कौन करेगा? वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आया हूँ, पहले सबा की शादी में इतना बिजी रहे कि वक्त ही नहीं मिला, क्या करूँ? उन्हें अकेले रहने के लिए आदत डालनी पड़ेगी, और वैसे भी तुम्हारी और मेरी शादी के बाद उन्हें अकेले ही रहना है। अच्छा देखते हैं, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा वापसी का क्या प्लान है? मेरा वापसी का क्या प्लान है? तुमने ही कहा था कि हम दोनों साथ वापस चलेंगे, और अब तुम कह रहे हो तुम्हारा क्या प्लान है? यार वो दरअसल मम्मी अब्बा को कुछ काम है वो मैंने करने, तुम जाना चाहो तो तुम जा सकती हो, वैसे भी तुम यहाँ रहोगी मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सकूंगा, तुम बोर हो जाओगी। कदीर क्या मसला है, मैं अकेली जाऊं? मैं तुम्हारे साथ जरूर जाता, लेकिन अब अब्बा को नाराज तो नहीं कर सकता ना, समझो प्लीज। अच्छा कितने दिन बाद आओगे? 4 से 5 दिन। सच? ठीक है तो मेरी टिकट करवा दो। मैं करवा दूंगा। चलो अब नाराज ना हो, मूड ना खराब करो, जूस तो पियो ना, ये लो। अभी गोल ग्राउंड में जलसा है, आप सबको अपनी अपनी ड्यूटीज मालूम है ना, अब वहीं चलें और मुझसे कोऑर्डिनेट करें, वहीं मिलते हैं, आप जाएं। और भाई आज रिंग न्यूज चैनल पे शाम को टॉक शो में जाना है, शिरकत करनी। और जलसे में कौन कौन सी पार्टी के लोग आ रहे हैं? तकरीबन हम लोग ही आ रहे हैं। और भाई आजकल तो आपकी मकबूलियत का ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है, और तो और आप तो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। सोशल मीडिया पे छाना कोई कमाल है, असल कमाल है लोगों के दिलों पर छाना। दुआ करो कि अल्लाह मुझे नसीब करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। साहब जी गाड़ी तैयार है, चले चले। भाभी। हाँ भाभी आपने वो खबर सुनी है? क्या हुआ है? भाई की गाड़ी पे फायरिंग हो गई है। ओह माय गॉड। आंटी का नमाज पढ़ी है वो? बताया था? नहीं अभी नहीं बताया। कुछ बताना भी नहीं, मैं मुनीर को कॉल करती हूँ। जल्दी से पूछ ले किसी से कुछ। तुम परेशान ना हो ना, कुछ नहीं होगा। तो नंबर बन जा रहा है। भाभी भाई को कुछ हो तो नहीं जाएगा? कुछ नहीं होगा। हैदर को क्या हो गया तुम्हें? न्यूज में कुछ और बताया? वो यही कह रहे थे कि हैदर बख्तर उसके साथियों की गाड़ी पे फायरिंग हो गई। आओ मेरे साथ में कुछ करती हूँ। मैडम चाय बनाना है? नहीं वो तो नहीं है। जैसे आए उसे मेरे पास भेजना। ठीक है। सांस लेने दे पलकों जरा, अगर कुछ हो जाता ना तो मैं मर जाती। सुनो मुझसे इतनी मोहब्बत करो जितना मैं सह सकूं, इससे ज्यादा करोगी तो मैं कैसे संभालूंगा।
हमना तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब साबित होगी। अल्लाह करे आप खदीजा मान जाए। अगर तुम हाँ करोगी तो मैं फिर मम्मी के सामने स्टैंड ले सकूंगा, और अगर तुम ही इनकार करोगी तो मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। आपसे ये किसने कह दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ? अगर तुम्हारा यहाँ रहना आप ठीक नहीं है, डिफेंस में मेरा घर है, तुम अपनी फैमिली को लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाओ। पता मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा तुम्हारे ये असफन सुल्तान क्यों मेहरबान हो रहे तुम पे इतना।